A very good evening, class 1. Welcome back, students. Students, in today's video, I will teach you about common noun and proper noun. So let's start. But before that, let's read what is a noun. Let's revise it. A word used to name people, places, things and animals is called a noun. Now let's move on to types of nouns. Nouns are divided into common nouns and proper nouns. So there are two types of nouns. One is called common noun and the other one is called proper noun. Common noun or proper noun. So pehle hum common noun ke bare mein jante hain. What is common noun? Words that name non-specific people, things, animals and places are called common noun. Common noun kya hai? Pehle common ka kya matlab hai? Aam hai jo. Khaas cheez nahi, kisi aam cheez ki baat kar. Kiski? Words, कौन से वर्ड जो नॉन स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर नहीं है, खास नहीं है. कौन से वर्ड जो किसी इंसान, किसी चीज, किसी एनिमल या किसी प्लेस के बारे में बताता हो, जैसे कि स्कूल, टीचर, कैट, फ्लावर, ये सब क्या है? कॉमन है. किसी का पर्टिकुलर नाम कोई भी स्कूल हो सकता है, कोई भी टीचर हो सकती है, कोई भी फ्लावर हो सकता है. तो ये कॉमन है, प्रॉपर नहीं है, जो कॉमन है, जो स्पेसिफिक नहीं, पर्टिकुलर नहीं, किसी खास के नहीं है, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन. सो लेट्स रीड द एग्जांपल्स. पीपल में क्या है? मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, बॉय, गर्ल, डांसर, डॉक्टर एंड सिंगर, ऑल दीज आर कॉमन नाउन्स. थिंग्स में क्या आ गया? पेन, क्रेयॉन्स, बोट, लैडर, फोन, पेंसिल बॉक्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, ऑल दीज आर कॉमन. उसका पर्टिकुलर नाम तो नहीं है ना. अगर हम बोलेंगे, जैसे आप पेंसिल बॉक्स की बात कर रहे हो, ग्रीन कलर पेंसिल बॉक्स, या किसी बच्चे का नाम लेके उसका पेंसिल बॉक्स, तो वो पर्टिकुलर चीज हो गया. क्रेयॉन की बात कर रहे हो, येलो क्रेयॉन, रेड क्रेयॉन, पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हो तो वो स्पेसिफिक हो गया. बट यहाँ पे अगर जनरली क्रेयॉन बोलो तो दैट इज नॉट स्पेसिफिक, दैट इज नॉन स्पेसिफिक और कॉमन. एनिमल, कैट, काउ, हॉर्स, एलिफेंट, डॉग, कोई भी काउ हो सकती है, कोई भी कैट हो सकती है, कोई भी हॉर्स हो सकता है. Places, airport, hospital, office, university, bank, school, उनका भी particular नाम नहीं दिया हुआ. तो ये सारे क्या चीजें हैं? Common noun. Now, let's do this given exercise for the common noun. Circle the common nouns in the following sentences. One has been done for you. The first one they have already done for us. Now let's read all these sentences. Number one. The mountains look beautiful at dawn. Mountains क्या है यहाँ पे? पहाड़ों की बात हो रही है, लेकिन कौन से वाले पहाड़? कोई पर्टिकुलर नाम तो नहीं है ना किसी पहाड़ का. सो ये क्या है? कॉमन चीज है. सो इसलिए they have circled mountains. The mountains look beautiful at dawn. Dawn क्या होता है? शाम का टाइम. Second, there are different species of fishes. बहुत तरह की fishes है, लेकिन कौन सी fish की बात हो रही है? कोई particular fish की बात नहीं हो रही है, common. So fish is a common noun. So we will circle fish. Next, the children are playing noisily. बच्चे शोर मचा के खेल रहे हैं. तो children, कौन से बच्चों की बात हो रही है? कोई particular नहीं, तो this is also a common noun. So we will circle children. And in fourth, she is hanging out the clothes to dry. किस चीज की बात हो रही है? क्लोथ्स की. लेकिन कौन से क्लोथ्स? कोई खास क्लोथ्स की बात तो नहीं हो रही है, जनरल की हो रही है. तो ये भी है कॉमन नाउन, क्लोथ्स. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट आर प्रॉपर नाउन्स. कॉमन नाउन क्या थे? जो किसी पर्टिकुलर, किसी खास का नाम नहीं है, जनरल है. लेकिन प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? These are the opposite of common nouns. ये common noun के बिल्कुल opposite होते हैं. That means word that name specific people. वहाँ पे non-specific था, जो बिल्कुल particular नहीं है, किसी एक के नहीं है. लेकिन यहाँ पे specific, हर चीज का कुछ नाम होगा, ठीक है, जो और किसी का नहीं होगा. People, things, animals and places are called proper noun. Like ललित. ललित किसी एक का नाम है, पुनीत, जायेश. क्लास में जैसे आप सबके एक एक नाम दिए हुए हैं, एंड फर्दर और ताकि क्लियर हो जाए कि हम अगर सपोज किसी एक सेम नाम के दो बच्चे हैं तो उनके रोल नंबर्स तो अलग है ना, तो वो स्पेसिफिक हो गया, वो उनकी पहचान हो गई. ऐसे ही स्पेशल डेज,
दिवाली एक ही फेस्टिवल है, दिवाली, इंडिपेंडेंस डे वो भी एक ही डे है, क्रिसमस। प्लेसेस में ताजमहल, नेहरू प्लेनेटेरियम, ताजमहल जैसा कुछ और तो नहीं है, दैट इज ओनली वन प्लेस, नेहरू प्लेनेटेरियम, आईफल टार, ये सारे भी पर्टिकुलर है, एक ही है। द नेम्स ऑफ कंट्रीज एंड देयर पीपल आर ऑल्सो प्रॉपर नाउन, कंट्रीज के नाम, इंडिया, पाकिस्तान, ये भी हर कंट्री का अपना अपना एक स्पेसिफिक नाम है, पर्टिकुलर नाम है। और उनमें रहने वाले लोगों को क्या बोला जाता है, इंडिया में रहने वालों को इंडियंस बोला जाता है, पाकिस्तान में रहने वालों को पाकिस्तानीज बोला जाता है, तो वो भी पर्टिकुलर है। ऐसे नहीं कि किसी और कंट्री में भी रहने वालों को इंडियंस बोल दिया जाता है, सो ये उनका पर्टिकुलर नेम है, सो इट इज अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर जो उनका पूरा पर्टिकुलर नाम दिया गया है किसी चीज को। यू विल नोटिस दैट प्रॉपर नाउन्स विल ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। योर ओन नेम एंड द नेम्स ऑफ योर फ्रेंड्स आर प्रॉपर नाउन्स। आपका नाम और आपके फ्रेंड्स का नाम, आपके घर किसी का भी नाम कम्स अंडर प्रॉपर नाउन्स। एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। लेट्स मूव अहेड। The names of towns, cities, buildings and landmarks are proper nouns. Mumbai, Delhi, Jantar Mantar. किसी particular जगह का नाम है तो ये भी क्या है, proper noun. The days of the week and months of the year are proper noun. Sunday, Monday, February, December. ये भी particularly किसी दिन का, किसी महीने का नाम है तो these are also proper nouns. And remember, proper nouns always begin with a capital letter. That means Sunday, Monday, जब भी हम days of the week या months of the year का नाम लिखेंगे, ये अपना नाम लिखेंगे या किसी जगह का नाम लिखेंगे तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ओके, द नेम्स ऑफ माउंटेन, सीज, रिवर्स एंड लेक्स आर प्रॉपर नाउन। किसी माउंट, जैसे पीछे हमने माउंटेन था उसका कुछ नाम नहीं था तो वो कॉमन था, लेकिन अगर हमने बोला माउंट एवरेस्ट तो वो हमने माउंटेन को नाम दिया हुआ है तो वो प्रॉपर है। अरेबियन सी, सी का नाम दिया हुआ है, गंगा रिवर का नाम दिया हुआ है। द नेम्स ऑफ फेस्टिवल, सम स्पेशल इवेंट्स एंड हॉलीडेज आर प्रॉपर नाउन्स। होली, दिवाली, इंडिपेंडेंस डे, ये भी क्या है, सारे प्रॉपर नाउन, बिकॉज इंडिपेंडेंस डे एक ही है, होली एक ही त्यौहार है, दिवाली एक ही है, उसके जैसा दूसरा नहीं है। इनको सबको पर्टिकुलर नेम दिया गया है, जब पर्टिकुलर नेम मिल जाता है किसी चीज़ को तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन, लेकिन जब किसी का पर्टिकुलर नेम नहीं है, कॉमन है, जैसे कैट, लायन, डॉग की बात करो, कोई भी हो सकता है, कोई भी डॉग, कोई भी कैट। स्कूल, स्कूल की बात करें, कोई भी स्कूल हो सकता है, सिटी, कोई भी शहर हो सकता है, तो ये आते हैं कॉमन नाउन, लेकिन जब उनका नाम दिया जाता है ना, जैसे स्कूल, श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेजिएट पब्लिक स्कूल नाम है हमारे स्कूल का, वो एक ही है, तो वो आ गया प्रॉपर नाउन। आई होप सो दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इट्स एक्सरसाइज। सर्कल द प्रॉपर नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वन हैज बीन डन फॉर यू। रुपेश इज टेकिंग केयर ऑफ हिज डॉग। रुपेश क्या है, किसी का पर्टिकुलर नाम है। डॉग क्या है, कॉमन नाउन, इसलिए उसको सर्कल नहीं किया हमने, यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर नाउन्स को सर्कल करना है। सेकेंड, मिस्टर सिंह इज अ पुलिस मैन। सो मिस्टर सिंह किसी का पर्टिकुलर नाम है, तो दैट इज अ प्रॉपर नाउन, सो हेयर वी विल सर्कल मिस्टर सिंह। थर्ड सेंटेंस, रवि इज आनंद बेस्ट फ्रेंड। रवि भी किसी का नाम है एंड आनंद भी किसी का नाम है, सो वी विल सर्कल बोथ द नेम्स, रवि एज वेल एज आनंद। फोर्थ सेंटेंस, उमेश एंड सुरेश आर गोइंग टू द मार्केट। उमेश भी किसी का नाम है, किसी पर्टिकुलर बंदे की बात कर रहे हैं हम, सुरेश भी किसी का नाम है, तो दीज बोथ आर प्रॉपर नाउन। मार्केट, मार्केट क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि कौन सी मार्केट की बात हो रही है तो क्लियर नहीं है ना, तो दैट कम्स अंडर कॉमन नाउन। फिफ्थ, लेट्स गो टू द गेटवे ऑफ इंडिया। किसी जगह का नाम दे दिया, गेटवे ऑफ इंडिया एक ही है, तो दैट मीन दैट इज अ प्रॉपर नाउन, सो वी विल सर्कल गेटवे ऑफ इंडिया। आई होप सो विद दिस यू आर क्लियर विद व्हाट इज प्रॉपर नाउन एंड व्हाट इज कॉमन नाउन। नाउन के दो टाइप्स होते हैं, कॉमन, प्रॉपर। कॉमन जो कॉमन होता है, आम होता है, प्रॉपर जो खास किसी को पर्टिकुलर नाम दिया गया है। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द एक्सरसाइज गिवन इन योर टैमरिंड ट्री बुक। फर्स्ट लेट्स रीड दिस पेज। टाइम टू स्टडी लैंग्वेज, ए पार्क, लुक एट द पिक्चर्स, रीड द वर्ड्स, गर्ल, पुलिसमैन, पपी, पार्क, ये सब क्या है, कॉमन नाउन्स। दीज वर्ड्स आर नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड एनिमल्स। इन जनरल सच वर्ड्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन। पर्टिकुलर नाम कौन सा पार्क, कौन सा पपी, कौन सा पुलिसमैन, नॉट क्लियर, सो ये कम्स अंडर कॉमन नाउन।
बी पार्ट नाउ लुक एट दीज पिक्चर्स रीड द वर्ड्स कमाला कांस्टेबल रवि सिंह फिरो आदर्श पाक ये पर्टिकुलर नाम दे दिया गया हर किसी को वो गर्ल का कुछ नाम है पुलिसमैन कौन सा पुलिसमैन है और उसका नाम भी दिया गया है फिडो डॉगी को भी नाम दे दिया गया है पाक कौन सा पाक की बात हो रही है आदर्श पाक की तो सब चीजों का पर्टिकुलर नेम आ जाता है दैट कम्स अंडर प्रॉपर नाउन नाउ लेट्स हैव लुक एट द एक्सरसाइज ओके स्टूडेंट्स नाउ लेट डू दिस गिवन एक्सरसाइज सी पार्ट रीड दी सेंटेंसेज अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन सर्कल द कॉमन नाउन्स हमें सेंटेंसेस को रीड करना है एंड देन वी हैव टू अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन कोई स्पेसिफिक नाम है उसको अंडरलाइन करना है एंड जो कॉमन नेम्स है उनको हमने सर्कल करना है सो लेट्स बिगिन फर्स्ट वन अनु हैज अ पेट मंकी अनु किसी का पर्टिकुलर नाम है सो वी विल अंडरलाइन इट मंकी कौन सा मंकी नॉट क्लियर सो इट कम्स अंडर कॉमन नाउन सेकेंड वन अनु एंड हर ब्रदर कॉल इट लैला अनु क्या है प्रॉपर नाउन ब्रदर अगेन कौन सा ब्रदर नॉट क्लियर सो दिस कम्स अंडर कॉमन नाउन वी विल सर्कल द वर्ड ब्रदर लैला अगेन प्रॉपर नाउन थर्ड लैला हैज अ लॉन्ग टेल अगेन लैला इज अ प्रॉपर नाउन टेल किसकी टेल की बात हो रही है नॉट क्लियर सो कॉमन नाउन नंबर फोर इट स्विंग्स ऑन द ट्री इन द गार्डन ट्री कौन सा ट्री नॉट क्लियर सो इट्स अ कॉमन नाउन गार्डन कौन सा गार्डन कोई नाम नहीं है दैट मीन्स इट कम्स अंडर कॉमन नाउन लैला लव्स बनानाज एंड मैंगोज लैला क्या है नाम है पर्टिकुलर सो अंडरलाइन इट एज प्रॉपर नाउन बनानाज एंड मैंगोज बेटा बनानाज एंड मैंगोज यू कैन टेक इट अंडर प्रॉपर नाउन और अंडर कॉमन नाउन हाउ कम आप इसको प्रॉपर नाउन कैसे ले सकते हो बिकॉज पर्टिकुलर फ्रूट का कोई नाम दे दिया है कौन से फ्रूट की बात हो रही है यहाँ पे बनाना और मैंगोज की लेकिन कॉमन नाउन के अंडर कैसे आ सकते हैं कॉमन नाउन के अंडर आ सकते हैं बिकॉज कौन से बनाना की बात हो रही है मैंगोज की काफी सारी टाइप्स होती है वी नो कौन से मैंगोज की बात हो रही है नॉट क्लियर सो देन वी कैन पुट इट अंडर सो लेट्स पुट इट अंडर कॉमन नाउन इट इज इक्वली करेक्ट इफ यू विल पुट दिस अंडर प्रॉपर नाउन ओके Only for this sentence. Number six, at night, Laila sleeps on a bed. Laila किसी का नाम हो गया so proper noun bed. It's a common noun. Bed thing है लेकिन कौन सा bed? Not clear, so it comes under common noun. Seven, Laila just made friends with Toto, Dev's pet dog. Laila किसी का नाम है so proper noun. Toto किसी का नाम है proper noun. Dev किसी का नाम है proper noun. Dog कौन सा dog? कोई नेम नहीं दिया गया सो इट्स अ कॉमन नाउन एट टोटो लाइक्स टू गो टू पूट्स स्पा सेंटर टोटो किसी का नाम है सो अगेन प्रॉपर नाउन पूट्स स्पा सेंटर प्रॉपर नाम दिया गया है किसी जगह का सो अगेन इट्स अ प्रॉपर नाउन नाइन्थ टोटो इज फॉन्ड ऑफ बरून हु टेक्स केयर ऑफ हिम एट द सेंटर टोटो अगेन प्रॉपर नाउन बरून अगेन प्रॉपर नाउन हु टेक्स केयर ऑफ हिम एट द सेंटर सेंटर जगह का नाम है कौन सी जगह नॉट क्लियर सो सॉरी इट्स अ कॉमन नाउन लास्ट वन लैला अगेन प्रॉपर नाउन एंजॉय इज गोइंग टू इंडिया इंडिया गेट इंडिया गेट किसी पर्टिकुलर जगह का नाम है सो प्रॉपर नाउन शी लव्स टू हैव आइसक्रीम देयर आइसक्रीम कौन से आइसक्रीम की बात हो रही है नहीं क्लियर सो इट्स अ कॉमन नाउन आई होप सो This exercise is clear to you. Now, let's move ahead to one more exercise. Given in your book, page number 53. E part, write C, capital C for common nouns and capital P for proper nouns. Rewrite the proper nouns using capital letters. So, let's start the first one and the second one they have already done for us. First is Agatha Christie. This is the name of some person, of a person. So it's a proper noun. So you will write P here and it will start with capital A. Writer, कौन सा writer? कोई particular writer की बात नहीं हो रही. So it's a common noun. Friday, special name है, special day है, एक ही day होता है. So it's a proper noun. So we'll write here P. And Friday will start with capital letter F. Okay, next, cat. कौन सी cat की बात हो रही है कोई cat
क्लियर नहीं है, दैट इज नॉट क्लियर, सो इट्स अ कॉमन नाउन. कुकी, कौन सी कुकी की बात हो रही है, नॉट क्लियर अगेन, सो इट्स अ कॉमन नाउन. सिटी, कौन सी सिटी की बात हो रही है, नॉट क्लियर, सो अगेन इट्स अ कॉमन नाउन. न्यू दिल्ली, किसी पर्टिकुलर शहर का नाम आ गया है, सो इट्स अ प्रॉपर नाउन. एंड न्यू दिल्ली विल स्टार्ट एन कैपिटल एंड डी ऑल्सो कैपिटल न्यू दिल्ली. टीचर, कौन सी टीचर की बात हो रही है, कोई पर्टिकुलर टीचर की बात नहीं हो रही, सो अगेन कॉमन नाउन. दैट्स इट. विद दिस वी कम टू एंड ऑफ आवर टुडेज वीडियो अबाउट कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. आई होप सो इट इज क्लियर टू यू. प्लीज सभी बच्चे बैठ के इसकी अच्छे से रीडिंग करेंगे, देन यू डू दी गिवन एक्सरसाइज. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.